स्पेनिश क्लाई हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी, जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। सर आज बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। आज ये ही डंपर है जो यहाँ से निकला, इसने एक बिजली का पोल है बहुत बड़ा, यहाँ का मेन लाइन का पोल है, इसने यहाँ पे टक्कर मारी। टक्कर मारते ही इसको रगड़ता हुआ निकला और पूरा पोल गिरा, उसके तार टूटे, मेन लाइन के तार टूटे। दुकानों पे आप वैसे देख सकते हैं कि दुकानों पे चुपके तार और दुकानों पे बाहर लटक गए और चिंगारियाँ निकल रही थी, ब्लास्ट हो रहे थे बहुत तेज। लोग आज समझ लो कि कोई भगवान की कृपा थी कि लोग बचे आज मरते मरते, नहीं तो आज जितने भी दुकानदार थे या जो भी होता ना, आज सारे के सारे, मैं नहीं चाहूँगा कि कुछ हो किसी को, लेकिन आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता। आज मरते मरते बचे बस। देखिए रोग का तो ऐसा है कि मुझे पता नहीं इतना रोग का क्या है, क्योंकि मैं आम आदमी हूँ, मगर ये डंपर वैसे निकलते रहते हैं और ये जो डंपर निकला इसने आज बहुत ज़्यादा ही वो अति कर दी थी। तो आज पहले आपने क्या रोक लगाई थी कि इसमें डंपर में आने जाने? नहीं सर, हमने तो कोई रोक, हमें तो पता ही नहीं, ऐसे इतने निकलते नहीं है वैसे। अच्छा। दिन में तो नहीं निकलते, अब रात का हमें पता नहीं, लेकिन हाँ जो ये डंपर अभी जो निकला इसकी स्पीड तेज़ थी, इसकी स्पीड तेज़ थी, तेज स्पीड से था, क्योंकि मैं जब मेरी गली से भी निकला था तो इस डंपर वाले से मैं भी बचा था, बाल बाल बचा था। सुरक्षा कैसे क्या करी क्या? सर सुरक्षा तो ऐसे करनी चाहिए कि ये रोड छोटा है, इस पे से डंपर नहीं निकल सकता है। आपने किसको क्या जानकारी दी लाइन बंद जाने के लिए? मेरे पास तो फ़ोन आया, मैं तो वहीं था, तो ये जो हादसा हुआ तो मैंने तुरंत टाटा पावर को फ़ोन लगाया और मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, आप तुरंत लाइन बंद करिए, नहीं तो कोई हादसा हो सकता है बहुत बड़ा। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम भरत है। भरत का कौन सी जगह है? ये जॉन का जबतपुरी। आज ऐसा हुआ कि बोले यहाँ से मैं निकल रहा था रोड से, तो ये डंपर आया, इसने इसको पोल को गिराया, मैं बाल बाल बचा हूँ। इसके अंदर पोल में से बिजलियाँ निकली हैं और वो हाई टेंशन सबके मकानों पे गिर गई है, और 11,000 वोल्ट है वो। और उसके बाद ऐसा हुआ कि बोले सब डंपर रुकने वाला नहीं था और डंपर वाले सबके सब मना कर रहे हैं, और वो पुलिस वाले साहब बोल रहे हैं कि बोले हम तो लेके जाएंगे, और जो नुकसान हुआ है वो अपने टाटा वाले देखेंगे, वो बिजली विभाग देखेगा। और कोई मर जाता, कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? ये आज का नहीं है, ये आज का नहीं है, ये रोज रोज का हो गया है। तो आप इस बात के लिए जवाब देने के लिए तैयार हों? कोई कौन देगा जवाब इसका? या पुलिस प्रशासन देगा, या कौन देगा इसका जवाब? जगह जॉन्सगंज कौन सा कुआं है? अवधपुरी के अंदर क्षेत्राम का कुआं है, वो सिंधी की दुकान के सामने, और सब डेली निकलते हैं, डंपर डेली निकलते हैं। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, आप बंद कराइए ना, हम कोई कोई कार्रवाई चाहते हैं, हम तो ये करते हैं। पहले तो हमारे पार्षद साहब ने पहले हमारे पार्षद साहब ने रोक लगवाई थी, तो उन पर इल्जाम लग गया है, तो अभी तक मना नहीं करता। प्रसाद साहब नहीं आएंगे? प्रसाद वो है कहाँ? प्रसाद साहब खुद के ऊपर वो, तो हम ये चाहते हैं कि इस पे रोक लगवाइए। चार घटना हो चुकी हैं और हम सब परेशान हो चुके हैं। सर जी अन्नू, जानकारी ये मिली कोई डंपर ने बिजली पोल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मैं मौके पर आया हूँ यहाँ, और जोनसगंज के 20-30 लोग खड़े हैं यहाँ, ये डंपर को रोक रहे हैं, जान नहीं दे रहे हैं। गलती है वो जांच होगी, मुकदमा दर्ज होगा। विद्युत विभाग की जो नुकसान हुआ है, विद्युत विभाग अलग एफ आई आर देगा और ये दूसरे अलग और देंगे जिसका नुकसान हुआ है। हाई टेंशन लाइट का विद्युत विभाग काम है, बिजली विभाग देखेगा इसको। अभी मौके पे कानून व्यवस्था की स्थिति है वो देख रहा हूँ, मैं पब्लिक को समझाइश कर रहा हूँ, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। मेरा नाम मनीराम ऐसा ही, चौकीन्द्र रामगंज। ये आया था गलत रॉन्ग साइड आया और हमें टक्कर मार दी इसने। ये ट्रेलर वाले डंपर वाले। अच्छा क्या मानते हो जॉन्सगंज में डंपर बंद है फिर भी सारा दिन आते हैं? तो आप बताएं कौन सी जगह? जॉन्सगंज। पहले एक डंपर निकला वो तो जैसे तैसे निकल गया, दूसरा आया इसने भेड़ा और भेड़ते ये सारे तार इधर आए और गेट के अंदर ही घुसा था मैं तो। किस तरह से आप अगर बाहर होते तो ये बाहर होते तो काम तमाम हो गया होता, और क्या होता बस।
भी लगा दी थी कोई पता नहीं क्या नहीं नहीं अभी तो कोई ऐसा पता चला नहीं है, सुबह पता चलेगा लाइट वाइट जब आएगी ऐसा कुछ नहीं है। नाम बताइए आपका। मेरा तो मनमोहन शर्मा। ये कौन सी जगह? ये जॉन्सगंज।